आज किशनपुर थाने की विजयपुर चौकी में जो चौकी इंचार्ज लक्ष्मीकांत सेंगर ने वहाँ चौकी पर ही तैनात दुर्गेश तिवारी हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके संबंध में हम लोग पूरी लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। जो अभी तक जानकारी में आई है बात, वो ये है कि कोई कंप्लेनेंट आया था चौकी का और वो एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा था और दंडतापूर्वक और गाली वाली दे रहा था, जिस पर जो दुर्गेश तिवारी थे हेड कांस्टेबल, उन्होंने उसको मना किया कि इस तरह का आप बात मत करिए और आप कार्य करिए, लेकिन वो नहीं मान रहा था और काफ़ी उसने बदतमीजी किया। उनके चौकी पर पता चला वो दंडता कर रहा था। इस पर दरोगा जी ने कहा कि नहीं ठीक है, हम इसको समझा रहे हैं, लेकिन इनका मत था हेड कांस्टेबल का कि इसको जो थाने में बंद किया जाए। इन लोगों की इस बात पर जो है आपस में सब इंस्पेक्टर में और हेड कांस्टेबल में विवाद हुआ। इस विवाद में फिर किस लेवल तक विवाद बढ़ गया और फिर सब इंस्पेक्टर ने गोली चला दी। चौकी में गोली चलाई सर कहाँ पर? हाँ, चौकी के जो बरामदे हैं उसमें गोली चलाई। सर्विस वालों से? जी, सर्विस पिस्टल थी तो दरोगा अंडर कस्टडी है, उसको हिरासत में ले लिया गया है और उसके पिस्टल को भी हिरासत में लिया गया है, सर ले लिया गया और हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे इसमें विधिक FIR करके। सर तो कंप्लेन आने से बच्चा नाम नहीं, अभी तो नहीं बताया था कि गोली मार दिया गया है। जी जी, यहाँ पर उनका चौकी इंचार्ज है लक्ष्मीकांत सेंगर, बेधड़क उसको कहते हैं, बेधड़क मतलब बदतमीजी का नाम होगा तभी बेधड़क ये सोचना है। सोचना मिलने के बाद हम लोग यहाँ हैं, अभी तो अभी तक इनके कोई भी अधिकारी ये बात बताने में सक्षम नहीं है कि मतलब क्या हुआ। आपको सूचना क्या दी गई? बस सूचना ये दी गई कि गोली मार दिया गया, जिनको गोली मारी लक्ष्मीकांत सेंगर को इनके बेधड़क करके हैं। नहीं, जिनको गोली मारी गई है वो आपके कौन है? मामा जी हमारे। क्या नाम होंगे? दुर्गेश त्रिपाठी। दुर्गेश त्रिपाठी जी, कौन सी चौकी में तैनात थे? विजयपुर। कितने दिन से पोस्ट में हैं? लगभग 1-1.5 साल हो गए हमको। ओके ओके, क्या नाम है आपका? डॉक्टर विनोद त्रिपाठी। अगर उनके साथ रहे और कभी किसी से झगड़ने लगे तो हम लोग उल्टा मार के चुप करवाते। ये एक बार लड़ गया था शादी में, इनके यहाँ गया था हमारे भैया के यहाँ, लड़ गया था, उल्टा इसको मारे, उसको नहीं मारे जिससे लड़ा था ये। और उनकी कैसे लड़ाई हो गई मुझे ये नहीं समझ में। हम लोग जब भी गाड़ी तेज चलाते तुरंत रोकते थे, कैसे उनके इतने सुलझे हुए आदमी, इतने चित्रकूट में जंगल में जब ददुआ को मारने की ड्यूटी लगी थी उनकी, तो वो पूरी रात नहीं सोते थे। उनके साथ चतुर्वेदी अंकल जी थे, बताते कि तुम्हारे पिताजी पूरी रात जागते रहते थे, हम लोगों को भी बीच बीच में जगाते रहते। हमारे पिताजी बहुत दिन में आके पूरे दिन पड़े रहते थे, सोते रहते, लेकिन रात में कभी नहीं सोते जब भी जंगल में। ये बात तो सारे लोग बता रहे हैं, देखो ये कैसे गोली लग गई, समझ में नहीं आ रहा है ना। रिकॉर्ड बहुत इनके साथ भी पोस्ट रहे हैं, नहीं हो रही हम लोगों को। नहीं, मेरे साथ बहुत अच्छे, मतलब अरे अच्छे इंसान जो थे, एकदम सतर्क रहने वाले आदमी थे, बिना किसी लापरवाही के हर एक काम करते थे, कैसे गोली लग गई? तो गोली तो मारी गई है ना, कोई दुर्घटना नहीं।